तो टिकटॉक मैंने स्टार्ट किया था अपनी खुशी के लिए, मुझे खुशी होती थी अपने आप को वीडियोस बनाते देख के। आपको कभी अजीब नहीं लगा कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, आखिर मैं ऐसी तो नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? अब तक कितने लड़के अप्रोच कर चुके हैं? वो एक राज होता है, वो खुल जाए तो बस फिर नहीं। कभी मामा से नहीं कहा कि मामा आज आप भी मेरे साथ टिकटॉक बनाएं? पापा बना लेते हैं, पापा को कहूँ वो बना लेते हैं, मामा नहीं मानती मेरे साथ। अच्छा मुझे बताइए, मैंने सुना है कि लोग टिकटॉक से बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। जिसकी अच्छी फैन फॉलोइंग है उसको ज्यादा पैसे, जिसकी कम है उसको कम पैसे। जैसे ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ऐसे ज्यादा फॉलोअर्स आते हैं तो ज्यादा पैसे आते हैं। जितने टिकटॉकर्स हैं मैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि आप सब एफर्ट कर रहे हैं और जो अच्छा एफर्ट कर रहे हैं वो करते रहें, और जो कुछ नेगेटिव कंटेंट क्रिएट करें या हमारी सोसाइटी के खिलाफ जाके जो भी मतलब कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वो उसको रोक के, अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको दिखाएं, फजूल हरकत मत करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मशहूर टिकटॉकर बुशरा गुलफाम के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्हें ये टिकटॉक की बीमारी कैसे लगी। बुशरा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बताइए ये टिकटॉक की बीमारी, आजकल हर पाकिस्तानी को हम देखते हैं कि कभी कोई टिकटॉक बना रहा है, कभी कोई खड़ा हुआ नाच रहा है, कभी कोई उल्टे सीधे मुंह बना रहा है, आपको ये शौक कैसे चढ़ा? लाइक बचपन से एक शौक था कैमरा फेस करने का, दूसरा शौक था एक्टिंग का, और थोड़ा मतलब इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना बड़ा फेडअप हो जाता है बंदा पढ़ाई के साथ जॉब के साथ, तो बंदे को थोड़ा इंटरटेन होना चाहिए, अपने आप को इंटरटेन करना चाहिए। लाइक लोग तो आपको कभी भी इंटरटेन नहीं कर सकते, आप खुद अपने आप की खुशी के लिए कुछ काम करते हो। तो टिकटॉक मैंने स्टार्ट किया था अपनी खुशी के लिए, मुझे खुशी होती थी अपने आप को वीडियोज़ बनाते देख के, तो बस दैट्स इट, इसलिए मैंने टिकटॉक स्टार्ट। आपको कभी अजीब नहीं लगा कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, आखिर मैं ऐसी तो नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? लाइक अजीब तक अपने आप को देख के कभी नहीं लगा। लाइक मेरे सामने कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा हो तो डेफिनेटली मुझे अपने आप को, तो जाहिर है कोई बुरा नहीं कहता, दूसरों को ही कहता है। दूसरों को देखो तो मैं कहती हूँ यार ये कैमरे के आगे क्या करें, फिर मैं कभी सोचती हूँ कि अगर मैं अपना BTS देखूँ या बैक बिहाइंड देखूँ तो मैं भी यही कर रही होती। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 800 के। इतने सारे फॉलोअर्स, ये आए कहाँ से, कहाँ से आखिर? लोग बहुत अच्छे हैं, लोग प्यार करते हैं। और ये आपको कैसे पता है लोग बहुत अच्छे हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। मतलब कोई भी आपको फॉलो कर दे तो आप कहेंगे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मुझे फॉलो कर रहा है। कुछ लोग मेरे पे नज़र रखने के लिए मुझे फॉलो करते हैं, कुछ मुझे पसंद करते हैं इसलिए मुझे फॉलो करते हैं, तो वो तमाम लोग जो मुझे फॉलो करते हैं जिस मकसद के लिए भी करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नज़र रखने के लिए किस किस्म की नज़र? हर तरह की नज़र, कि मैं क्या कर रही हूँ, कब कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, हर तरह की नज़र रखनी होती है। सब लोग अप्रोच भी बहुत करते होंगे, अब तक कितने लड़के अप्रोच कर चुके हैं? बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो कभी कभी बॉदर ही नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ भाई आप सब मेरे भाई हो। मतलब सारी आवाम को एक दफ़ा में ही कह दिया भाई तुम मेरे भाई हो, लाइन ना मारना मेरे पे। सब मेरे भाई हैं सब, बस जो अम्मा अब्बा कहेंगे कि ये तुम्हारा भाई नहीं है वो मेरा भाई नहीं है, बाकी सब। अगर किसी को गलती से अम्मा अब्बा ने पसंद कर लिया और आप उसे पहले ही अपना भाई बना चुके हैं फिर? नहीं, फिर मैं उसे कह दूँगी मैं अपने लव्स वापस ले लेती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने तुम्हें अपना भाई कहा, तुम मेरे भाई नहीं हो। बिल्कुल ऐसी है, फिर मैं उससे अपने अल्फाज वापस ले लूँगी और मैं कहूँगी आज से तुम फिर मेरे भाई नहीं हो। और उसके बाद आपको जानने के बाद वो कह दे नहीं नहीं तू बिल्कुल ठीक थी, तुम मेरी बहन ही हो, फिर क्या करेंगी आप? फिर मैं मम्मी पापा से कहूँगी नए की तलाश करें। वो भी भाई निकल आया फिर? फिर वो भी भाई निकल आया तो ठीक है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा कभी ना कभी। इसको मैंने बख्शा होगा, है ना? इसको मैंने बख्शा होगा, पाकिस्तान का मैं भी हो, पाकिस्तान का हो ही ना। अच्छा कभी किसी ने आपको कहा है कि मैं भी टिकटॉकर हूँ आप मेरे साथ वीडियो बनाएं? हाँ काफ़ी लोगों ने कहा है, बट मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ मैं अकेले ठीक हूँ, मैं अकेले सही हूँ, मैं अकेली पॉपुलर होना चाहती हूँ। हाँ अकेले ही ठीक हूँ, मतलब आपको अगर देखें ना लाइक फैमिली इश्यूज हो जाते हैं कि अगर हम किसी के साथ टिकटॉक बना रहे हैं तो आपको पता है फैमिली में हम जिस कल्चर में रहते हैं एज़ यू नो, तो बस इस हवाले से मेरी कोशिश होती है मैं अकेले ही बनाऊँ। अच्छा आपने बोला कि फैमिली वाले देखते हैं तो वो इशू बना लेते हैं, तो क्या अब तक कोई इशू वैसे बना है आपके लिए? जी डेफिनेटली, देखिए आप भी लड़कियां, आप भी, आपको भी पता है क्या इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम घर वाले तो आपको सपोर्ट कर ही रहे होते हैं, फिर बाहर वाले भी ठीक हो जाते हैं। होते कभी किसी वीडियो पर आपके मामा ने आपके बाबा ने आपको डांटा हुआ बुशरा ये क्या है,
कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, एक वीडियो थी उसमें मैं डांस कर रही थी तो उस पर मुझे मम्मा से डांट पड़ी थी। पापा तक वो वीडियो नहीं पहुँची थी, मम्मा तक ही पहुँची थी। तो मामा ने कहा ये सब क्या है, मैंने कहा आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं डिलीट कर देती हूँ, मैंने डिलीट कर दी बस सिंपल। हाँ, मम्मा मेरी ऐसे हैं जैसे मेरी दोस्त हों, मेरे फादर भी ऐसे ही हैं। फादर से आपको पता है फिर भी एक बंदे का होता है, लेकिन मम्मा के साथ मेरा बिल्कुल दोस्तों वाला है। तो लाइक वो मुझे बहुत दफ़ा इवन के खुद सजेशंस दे रही होती हैं, बुशरा तुम ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाओ, तो बुशरा तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये मम्मा के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए वो एक दोस्त की तरह है, तो वो दोस्तों की बात तो माननी पड़ती है। तो कभी मामा से नहीं कहा कि मामा आज आप भी मेरे साथ टिकटॉक बनाएं? बहुत बहुत दफ़ा कहा है, मम्मा नहीं मानती। पापा बना लेते हैं, पापा को कहूँ वो बना लेते हैं, मम्मा नहीं मानती मेरे साथ। पापा के साथ कोई वीडियो अपलोड की हुई है? हाँ, मैंने फादर्स डे पे अपने फादर के साथ स्पेशल वीडियो बना के अपलोड की थी। अच्छा, जितने टिकटॉकर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? जितने टिकटॉकर्स हैं मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि आप सब एफर्ट कर रहे हैं, और जो अच्छा एफर्ट कर रहे हैं वो करते रहें, और जो कुछ नेगेटिव कंटेंट क्रिएट करें या हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाके जो भी मतलब कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वो उसको रोक के, अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको दिखाएँ, फजूल हरकत मत करें। शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए, मैंने सुना है कि लोग टिकटॉक से बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, आपने अब तक कितने पैसे कमाए हैं? नहीं नहीं, टिकटॉक हमें कोई ऐसे पे नहीं करता, लाइक प्रमोशंस वगैरह पे करती हैं हमें, और फ़ैन फॉलोइंग भी डिपेंड करता है, जिसकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है उसको ज़्यादा पैसे, जिसकी कम है उसको कम पैसे। जैसे ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, ऐसे ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं तो ज़्यादा पैसे आते हैं। यानी एग्जैक्ट अमाउंट बुशरा हमें बताना नहीं चाहती कि वो अब तक कितने पैसे टिकटॉक से कमा चुकी हैं? नहीं, टिकटॉक से कम ही पैसे कमाए, मतलब कम ही कमाए, बस कम ही है, बस कम ही है। आपको पता है किसी से, स्पेशली ख्वातीन से, उनकी उम्र और सैलरी नहीं पूछते, सैलरी तो किसी से नहीं पूछते, सैलरी तो मर्दों से ही ना पूछते, आप कौन सा मर्द है? नहीं, वैसे ख्वातीन से भी सैलरी नहीं पूछते, वो एक राज होता है, वो खुल जाए तो बस फिर नहीं, घर वाले कहते इतने पैसे कहाँ। आप मीडिया पे भी काम कर रही हैं, तो टिकटॉक के साथ अपने काम को किस तरह से मैनेज करती हैं? काम और पढ़ाई से फेड अप हो जाती हूँ जब, तो फिर मैं कहती हूँ मैं टिकटॉक वीडियो बना लूँ, अपने आप को देख के मैं खुश हो जाती हूँ। ये अच्छा तरीका है वैसे, यानी कि टिकटॉक के लिए एक सेपरेट टाइम, काम के लिए सेपरेट टाइम, पढ़ाई के लिए सेपरेट टाइम। कीप इट अप बुशरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा आपको पसंद कौन है? लड़कियों में अगर हम बात करें तो अरिका हक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लड़कों पसंद है, लाइक उसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, एक्सप्रेशन वाइज बहुत अच्छी होती हैं, और एक लाइबा बेबी है उसकी, दोनों की वीडियोस मुझे बहुत पसंद होती हैं। लड़कों की अगर बात की जाए तो लड़कों में बहुत सारे बहुत सारों में जो बहुत ख़ास हो, बहुत ख़ास तो कोई भी नहीं है, पसंद तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक अदील मुर्तज़ा, वो शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नबील मियाँ है, वो बहुत कॉमेडी वीडियोस बनाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को कॉपी करने की कोशिश की है? कॉपी करने की, रुमैसा, उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उसकी वीडियोस। तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि आज जैसे वो एक्सप्रेशंस दे रही है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं भी वैसे दे सकूँ। और सबसे नापसंद कौन है टिकटॉक पे? सबसे ज़्यादा नापसंद मुझे कौन है? नापसंद नायला जट है, क्योंकि वो अजीब तरह की वीडियोस बनाती हैं, और वो तमाम लोग मुझे नापसंद है जो फजूलियात टिकटॉक पर अपलोड करते हैं, जो मतलब अपलोड करने वाली नहीं होती। फजूलियात से मुराद लाइक कुछ वल्गर वीडियोस होती हैं, उस तरह की वीडियोस। अभी पिछले दिनों एक लड़का है, वो अच्छी खासी कॉमेडी वीडियोस बनाता है, बैठे बैठे उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने बहुत ही अजीब सी एक वीडियो बनाई। तो इस हवाले से मैं, वो लोग मुझे सिर्फ नापसंद है जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बाकी जो हंसी मजाक कर रहे हैं या अपने अपनी खुशी के लिए या किसी की खुशी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो गलत नहीं है। आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? फ्यूचर प्लानिंग्स यही हैं कि एक अच्छी छोटी सी एंकर बन जाओ। अच्छी सी छोटी सी एक अच्छी सी छोटी सी बस एंकर बन जाऊं। बाकी टिकटॉक तो एक शौक है, जब तक है तब तक है, जब तक नहीं है तब ख़त्म। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने बुशरा गुलफाम के साथ कितनी अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी बातें की। मज़ीद वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।